अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं बैटरी पे। बैटरी पे हम डिस्कस करेंगे सर कि हमारी बैटरी अभी 60 वोल्ट की है, कि 60 वोल्ट की बैटरी हमारी फुल कट ऑफ वोल्टेज कितनी होनी चाहिए और लो कट ऑफ वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। अभी हमारी ये 60 वोल्ट की बैटरी है, फुल कट ऑफ वोल्ट पे ये 66.1 वोल्ट तक जानी चाहिए और लास्ट हाईएस्ट में 71 कट ऑफ वोल्टेज होनी चाहिए। और इसका लो कट ऑफ वोल्ट हम देखें कि तो 54.1 वोल्ट ओनली होनी चाहिए अगर ये हमारी 60 वोल्ट की बैटरी है तो। और हम नेक्स्ट चलते हैं बैटरी पे। बैटरी पे हम क्या करते हैं, आइए हम बैटरी पे चलते हैं। देखिए हमारी ये 60 वोल्ट 24 एच की बैटरी है, ठीक है, लिखा भी है। और इसको हमें फुल चार्जिंग है या लो चार्जिंग है या हमारी बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही है, इस पर्पज़ पे हम क्या चेक करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर यदि हमारी 60 वोल्ट की बैटरी है तो ये फुल कट ऑफ वोल्टेज क्या है और लो कट ऑफ वोल्ट क्या है। 60 वोल्ट की बैटरी अगर है तो हमारी ये फुल कट ऑफ वोल्ट 66.1 वोल्ट होनी चाहिए और यही बैटरी हमारी 60 वोल्ट की अगर लो कट ऑफ वोल्ट में हम अगर देखें तो 54.1 वोल्ट होनी चाहिए। यदि हमारी ये 54 वोल्ट के नीचे जाती है तो हमारी बैटरी डिप डिस्चार्ज मान ली जाती है। इसके लिए हमें बूस्टिंग करनी पड़ती है। जब हमारी कभी भी 54 वोल्ट के नीचे जब जाती है सप्लाई तो हमारी चार्जर जो है बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर पाती है, चार्जिंग उठाती नहीं है। और चार्जर को उठाने के लिए हमें 54 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। 54 वोल्ट अगर नहीं पाएगी तो हमारा चार्जिंग जो है नहीं उठाएगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि बैटरी को हम बूस्टिंग करेंगे। बैटरी को हम बूस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। एक बार हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको बैटरी का वोल्टेज मिलेगा। DC 200 वोल्ट पे हम रखेंगे और ये देखिए अभी हमारी ये 60 वोल्ट की बैटरी है, 62.7 वोल्ट दिख रहा है। इसी स्थान पे अगर हमारा ये 54 वोल्ट है तो हमारी चार्जर जो है काम करती है। अगर ये 50 वोल्ट पे हो जाएगी तो हमारा चार्ज काम नहीं करेगी, फिर हमें बैटरी को बूस्टिंग करने की आवश्यकता होती है। हम बैटरी को बूस्टिंग किस तरह करते हैं, हम आपको चार्जर के ही थ्रू दिखा रहे हैं, जो कि इस कॉसवाई फ्यूजन के साथ में हमारे पास चार्जर दे रहे हैं ड्रोन पावर। उस आपको ड्रोन पावर में बूस्टिंग करने का भी स्विच दिया होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी चार्जर है। चार्जर के जस्ट एकदम पीछे एक स्विच दिया हुआ है। हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको करना है। हम बैटरी में कपलर को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इनको हम पावर सप्लाई देते हैं। देखिए यहाँ पे हम पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद होता क्या है कि ये बैटरी हमारी, अभी हमने देखिए इसमें ऑन किया, यहाँ पे हमारा इनपुट सप्लाई आ गई। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारी बैटरी फिर भी चार्जर बैटरी को फिर भी चार्ज नहीं कर रही है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम इनको यहाँ पे देखिए इनपुट सप्लाई आई, इस स्विच को हम 3 से 4 सेकंड केवल दबा कर रखेंगे। 3 से 4 सेकंड अगर हम दबा कर रखेंगे तो हम आप क्या देखेंगे 3 से 4 सेकंड में कि हमारा चार्जर जो है ऑन हो जाता है। देखिए ऑन हो गई, इस तरह से हमारा बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो गया। इस तरह से हम इस बैटरी को बूस्टिंग कर लेते हैं सिर्फ ऑनली सिर्फ एक स्विच के माध्यम से। ये हमारा बैटरी हुआ सर इस तरह से। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे सर, चार्जर। अभी चार्जर चेक करने का तरीका हम देखेंगे कि चार्जर को जब तक ले हम इस पर बैटरी का इनपुट नहीं देंगे, आउटपुट नहीं देंगे, तब तक चार्जर हम नहीं चेक कर सकते। उसके लिए एक हमें ऐसे इस तरह से फाइव स्विचेस सॉकेट हम इसमें कनेक्ट करके ऑलरेडी रखते हैं, तो मैंने एक इसमें सॉकेट लगा दिया और एक चार्जर वाला प्लग हम इसमें लगा दिए। और उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम क्या कहीं पे भी मल्टीमीटर्स किसी भी सॉकेट में चेक करेंगे तो उसमें हमारा चार्जिंग का देखिए इस तरह से मल्टीमीटर में आपको शो करते हुए कुछ नज़र आएगा वोल्टेज। देखिए हमारी चार्ज कर रही है। अब ये इस तरह से आपको पॉइंटर जो है बताना स्टार्ट कर दी है। पहले था इसका
62.5 वोल्ट, अब देखिए 63.4545, इस तरह से रीडिंग आपका चल रही है, तो चार्जर हमारा सही है। एक तरीका और भी चार्जर को चेक करने का, हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि ये हमारे जो सॉकेट्स हैं, सॉकेट, इस सॉकेट से हम इनको अभी हम कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये सॉकेट हम जिस जैसे गाड़ियों में चार्ज नहीं करते हैं चार्जर लगा करके, उस हिसाब से देखिए मैंने लगा दिया। और अब हम क्या देखेंगे कि बैटरी को हम गाड़ी में पहले जैसे वापस लगा दिए हैं। अब हमारी क्या हो रही है, चार्जर देखिए हमारा कनेक्ट हो गया, चार्जर चार्ज कर रहा है और हम गाड़ी को ऑन कर दिए हैं। और गाड़ी में देखेंगे आप, मोटर भी देखिए हमारी चल रही है। और देखिए चार्जर पे, चार्जर भी हमारी चार्ज कर रही है और मोटर चल भी रही है और चार्जर चार्ज भी कर रही है। चलते चलते हम क्या करेंगे, इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे और हम क्या देखेंगे कि चार्जर हमारा काम कर रही है। कि कैसे पता चलेगा आपको कि बिना बैटरी के देखिए हमारी मोटर चल रही है, ओनली चार्जर से। चार्जर चेक करने का एक दूसरा तरीका ये भी है।